अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस हमें ये बताती है कि एसिड्स हमारे क्या हैं और बेसिस हमारे क्या हैं। तो देखो, एसिड्स गिव एच पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो कि एच पॉजिटिव आयन देते हैं, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। वहीं बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस हमारे वो सब्सटेंस है जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये दो लाइनें क्या कह रही हैं? ये दो लाइनें ये कह रही हैं कि जैसे एसिड है हमारा कोई भी, सपोज HCl हमारा एसिड है, तो एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्योंकि HCl कैसे टूटता है? HCl जब भी डिसोशिएट होता है, ठीक है, तो ये टूटता है हमेशा H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, यानी कि HCl एच पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो ऐसे हमारे वो सब्सटेंस जो कि एच पॉजिटिव आयन देते हैं। इसी तरीके से जो बेस होते हैं, जैसे NaOH एक बेस है, ये किस तरीके से टूटेगा? ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो यानी कि एसिड्स वो सब्सटेंस जो कि एच पॉजिटिव आयन देते हैं और बेसिस वो सब्सटेंस जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। अरेनियस के अकॉर्डिंग अरेनियस थ्योरी यह कहती है, ठीक है। अब लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है। इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं? इस थ्योरी की लिमिटेशंस हैं कि इट इज़ लिमिटेड टू एक्वस मीडियम ओनली, ठीक है, कि ये लिमिटेड है एक्वस मीडियम के लिए ही। क्योंकि देखो, अगर हम ऊपर बात करें तो क्या कह रहा है? बेस गिव OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, ये बात कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन की, कि जब भी एसिड, यानी कि एसिड जब भी अपना एसिडिक करेक्टर दिखाएगा, तो यानी कि एक्वस सॉल्यूशन को होना जरूरी है, और बेस का बेसिक सॉल्यूशन दिखाने के लिए, बेसिक सॉल्यूशन दिखाने के लिए एक एक्वस सॉल्यूशन का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये लिमिटेड है किसके लिए? एक्वस मीडियम के लिए। लेकिन अगर एक्वस मीडियम ही ना हो और कोई और दूसरा सॉल्वेंट हो, तब क्या होगा? तो वहाँ पे अरेनियस थ्योरी क्या कर जाती है, वहाँ पे अरेनियस थ्योरी थोड़ी सी लिमिटेड है, ठीक। इसी तरीके से एक दूसरी लिमिटेशन है कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ CO2, SO2 एंड SO3। देखो, जैसे CO2 रही या SO2 रही या SO3 रही, ये तीनों हमारी एसिडिक नेचर की होती हैं। अब इनमें ना तो H पॉजिटिव आयन है, ना ही H पॉजिटिव दे सकते, तो इनका एसिडिक नेचर को किस तरीके से हम अरेनियस थ्योरी से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ये थ्योरी फेल कर जाती है। इसके अलावा तीसरा है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड NH3, अमोनिया, ठीक है, कि अरेनियस थ्योरी इनका भी बेसिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड और जो अमोनिया है, ये हमारे बेसिक नेचर के क्यों हैं। तो ये तीन अरेनियस थ्योरी की क्या है? लिमिटेशंस हैं।